बाय। क्या बोलते हैं इसके, उसको चोको क्रंच, कोको क्रंच, बाबू बता देगा क्या कहते हैं। अरे यार दो मेरा चाबी, जाइए लेके आइए। बाय बाय, जल्दी आना। Hey guys, welcome back to my channel Aryan's Corner। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मैं यहाँ आके ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा मिस कर रही हूँ। बहुत कम टाइम था, 10 दिन की छुट्टी में गए थे, ज़्यादा छुट्टी नहीं लिए थे तो टाइम बिल्कुल नहीं था। शादी में 4-5 दिन आराम से रह गया और दादा दादी के घर पे भी मुश्किल से एक दिन ही थे हम लोग, 24 आवर्स उससे ज़्यादा थे भी नहीं, तो कहीं भी ज़्यादा नहीं पाए। बुआ के यहाँ तो जस्ट हम लोग शाम को पहुँचे और आधे घंटा रुक के फिर हम वापस दादा दादी के इधर आ गए, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पता नहीं कब जाना होगा, शादी था बोल के जाना हुआ। लेकिन हाँ, शादी बहुत अच्छे से हो गई, आपने वीडियो में देखा भी होगा और कितना ज़्यादा हमने इंजॉयमेंट किया। और शादी के दिन का इतना शाम, मतलब जो शादी की रात है उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज उसका कारण था शादी में मेकअप आर्टिस्ट मैं ही बन गई थी। इतनी सारी बहनें हैं हम सब, तो सभी को तैयार करना, बाल बनाना, मेकअप वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत। वैसे मुझे इतना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं और मुझे इतना मेकअप का वो भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कैसे क्या करना रहता है, सो मैं कर दी थी, तो यही है। और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मम्मी पापा से मिले, मम्मी पापा सबको छोड़ कर, बहनों को अच्छा नहीं लग रहा है अभी भी। और अभी मेरे आँख आप देख रहे हो पूरा लाल लाल है, अभी भी नींद भरी हुई है। शादी में 2-3 दिन सो नहीं पाए कंटिन्यू, तो पता नहीं अभी महीने भर लगता है ऐसे ही रहने वाला है। और सर्दी भी, एक्चुअली सर्दी है, वेदर चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, हवा वगैरह सब चेंज हुआ, तो सर्दी लग गई है इसलिए आँख ऐसा दिख रहा है। तो ये रहा आज का ये जो भी है। तो अभी हम जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो आज है मंडे, तो हम पहुँचे हैं संडे के नाइट, ठीक है। तो मंडे लग चुका था तो आज है मंडे। अभी मैं मंडे को मैं इवनिंग में बैठ के ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और संडे को मतलब कल जो जिनकी शादी हुई थी, मेरे बहन और उनके हस्बैंड, तो हमारे में एक रस्म होती है अष्टमंगला बोलते हैं उसे, अष्टमंगला। सो अष्टमंगला में वो आए थे, 8 दिन बाद लड़की आती है, सो वो आए हैं। कल संडे था तो कल आ गए हैं सुबह सुबह। और इनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मेरी जो मछली मामा की लड़की है वो मुझे भेजी थी, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लीजिए वीडियो क्लिप। जूता खुलते हुए मत खुलते हुए। सो देखा आपने, ये थोड़ा सा ही वो रिकॉर्ड करके भेजी, ज्यादा भेजी थी नहीं। मैंने उससे कहा था कि थोड़ा पूरा रिकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन वो की नहीं, तो हो गया, कोई बात नहीं। इसमें पैर धोना रहता है, जो एक और बहन थी वो पैर धोएगी, जीजा जी लगेंगे, उसका पैर धोएगी और पैर को पकड़ के रखेगी और अच्छे से ऐसे चिमटी काटेगी अच्छे से पकड़ के तो उसमें पैसे देने रहते हैं, जो जीजू है वो साली को पैसे देंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं दिन रात फोटोज़ देख रही हूँ और याद कर रही हूँ मोमेंट। पता नहीं अभी मुझे लगता है 1 महीना मेरा ऐसे जाने वाला है, ये सदैव भी मैं रहने वाली हूँ कि वापस आ गई कोई नहीं, चलिए फिर। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि मामी ने हमारे लिए, हम तीनों के लिए खाने में क्या क्या दिया है, और चाचा चाची ने भी उधर से दिया है और बुआ ने भी कुछ दिया है, सो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर से।
बाकी का थोड़ा काम है वो कर लेती हूँ मैं, लेकिन खाने का मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। और तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या काम है। सो अभी देख रहे हैं मेरा ये मीना बाजार। सो मुझे अभी के लिए मेरा काम है ये, तो ये सब्जी बाजार आ चुका है इसके। सो मेरे हस्बैंड ले आए हैं 2 बैग भर के सब्जी, तो अभी मुझे ये सब ठीक करना है, मैं जल्दी से ठीक कर लेती हूँ। दोनों बाबू और मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर, पता नहीं बाबू कहाँ देख लिया, शायद आई थिंक टीवी में देखा होगा, मे बी आई डोंट नो। उसे चाहिए क्या चाहिए, कोको क्रंच। कोको क्रंच, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने पूछा कैसे खाते हैं, तो बोले इसको ना दूध में मिला के खाते हैं, तो मैंने अच्छा अच्छा केलॉग्स वाला, नहीं कोको क्रंच, बोले चलो ठीक है कोको क्रंच। उसको लेके गए शॉप पे, वो देखिएगा उसको कौन सा चाहिए, कौन सा फ्लेवर, क्या जो भी है, तो फिर वो कोको क्रंच लेने गया है अभी। तो चलिए फिर बाकी बातें बाद में, मैं कर लेती हूँ काम। सो गाइज ये है वो बैग, भानुमती का पिटारा। इसमें पूरा भर भर के आया है मामा के घर से, और कुछ कुछ चाची चाचा ने दिया है, और बुआ ने क्या दिया है, बुआ ने दिया है सब्जी, जी हाँ आलू बैंगन। सो वो मतलब घर पे ही होता है। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया। ये तो मुरमुरे है, ये तो सबको आपको पता होगा मुरमुरा, हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा ही लिया है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लाया है। हम आ गए हैं हमारा पिटारा दिखाने कि हमने क्या क्या लाया है। और एप्पल और जैम्स, जैम्स कोको क्रंच और कोको क्रंच और मुल्ला और छोटे छोटे लड्डू, छोटे छोटे लड्डू। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे बैग में क्या क्या आया है। सबसे पहले हमारे बैग में आया है, दो मिनट गिर ना जाए। सो हमारे बैग में आया है ये, अब ये क्या है मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और मेरे पास है कुछ और फ्रेश, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरे पास कुछ है। मेरे पास है एक बाम, उसको लगाने के लिए बाम। ये उधर हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, तो ये सर दर्द वगैरह होता है उसके लिए। तो ये है गुड़, ये शायद थोड़ा निकला भी है, इसे चिप चिप कर रहे हैं, लकीली ये गिरा नहीं है बैग पे। सो ये है गुड़, ये जो है ये पतला वाला गुड़ है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो ये पतला वाला गुड़ है, तो ये मामी ने दिया है। पास है एक कुछ है ये ये क्या है मामा, इसमें बड़ी है ये, ओ सॉरी ये बड़ी है, मतलब इसको इंग्लिश में बोल रहे बड़ी, जो ये मम्मी ने, मम्मी बनाई थी तो मम्मी ने लाया था ये, तो बड़ी है बड़ी। ये पतला वाला गुड़ ये वेस्टर्न मॉल में मिलता है, टिफिन मम्मा का टिफिन, ये लो। सो मैंने मामी को कहा था कि गुड़ लेके रखने के लिए, मुझे बहुत पसंद है रोटी वोटी के साथ खाना पतला वाला गुड़, तो वो रखी थी। और ये जो इस पॉलिथीन में, तो इस पॉलिथीन में क्या है, इनमें बाबू के जो दादाजी हैं, तो मेरे बाबा उनके, उन्होंने ये केक वगैरह लाया था बाबू के लिए, तो ये केक बिस्किट ये वो। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या क्या लेके आई हूँ ना, मेरा ये रहता है गाँव है ना, सब उठा उठा के लाती हूँ। जो ये है एक दंदा मम्मा को पीटने के लिए, मम्मा को पीट, मम्मा ने क्या किया ऐसा। सो ये रहा, सो नेक्स्ट क्या है, ये तो बाम ये मेरे काम आने वाला है फिलहाल। और ये है, इसको क्या बोलते हैं बंगाली में, इसको झारा बोलते हैं,
वो बूंदी के लड्डू जब ये बूंदी जो छानते हैं ना वो इससे ये इस टाइप का ये छारा है। तो मैंने मामी को बोला था ये मेरे लिए लेके रखने, तो इसलिए लेके रखा है। और इसका साइज ना इसी से स्टार्टिंग होता है, छोटा साइज नहीं है। सो ये है झारा, मामी की मामी ने दिया वा। और ये क्या है, आई थिंक ये लड्डू है, बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट लड्डू। आज मैं आपके साथ दिखा रही हूँ कि मेरा फेवरेट लड्डू क्या है, कौन सा मेरा फेवरेट लड्डू है। बट ये लड्डू नहीं है, ये चाचा चाची ने दिया था। इसको बंगाली में बोलते हैं गोजा, चोखा गोजा। सो ये थोड़ा रस वाला है, जिस पॉलिथीन चिपचिप भी कर रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये इस टाइप का होता है, ये है गोजा, बहुत ही टेस्टी था। ऐसा लग रहा खा लूँ अभी, लेकिन मैं शाम को खाऊंगी अभी नहीं, मतलब शाम तो है ही, रात को खाऊंगी। पॉपकॉर्न दिखा दो मेरे से। ये मम्मी ने चना दाल दिया है मेरे लिए, मैं मम्मी को मना की थी लेकिन मम्मी ले आई थी चना दाल, तो ये भी ले आई मैं चना दाल, मैं सब लेके आ गई। हाँ इसलिए दीदर ने चना दाल दे दिया। हाँ ये मूढ़ी है, ये मूढ़ी में थोड़ा सा लाई हूँ, नहीं तो मैं बहुत क्वांटिटी में लाती थी तो थोड़ा सा लाई हूँ। ये घर का बना हुआ मुरमुरा है, मामी ने बनाया था, बहुत मतलब बहुत सारा मुरमुरा बनाया था, सब खत्म हो गया तो अभी भी है एक बोरा, मतलब बहुत बड़ा बोरा था, तो मैं थोड़ा सा लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई। ये मेरा है जो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ये है चोका गोजा, ये दिया है चाचा चाची ने। ये इसको बोलते हैं मिष्टी खोई, जो लाई रहती है ना वो मीठा वाला लाई है, गुड़ वाला। मैं दिखाती हूँ, ये मीठा वाला लाई है, ये देखिए गिर गया सॉरी, ये कुछ इस तरह का है। और ये है आई थिंक लड्डू, तो मैं दिखाती हूँ अपना फेवरेट लड्डू। ये देखिए एक मेरा एक खिलौना तो है, वो गुजिया का छाँच रहता है, क्या बोलते हैं साँच, पता नहीं गुजिया बनाने का जो ये रहता है ना, ये तो ये बाबू की दादी ने दिया है माँ ने। सो मेरा फेवरेट लड्डू, लड्डू दिखाते दिखाते पता नहीं मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ। तो मेरा फेवरेट लड्डू है ये। सो कोई बता सकते किस चीज़ का लड्डू है? ये जो लड्डू है ये है गुड़ का लड्डू, और एक मिला है ये, तो ये है चीनी का लड्डू, मतलब जो बूंदी हम छानते हैं ना, तो ये बूंदी का लड्डू है लेकिन ये चीनी वाला है, और ये भी बूंदी का ही है लेकिन ये गुड़ से उसका जो क्या बोलते हैं बाइंडिंग जो है वो गुड़ से है। सो मुझे गुड़ वाला ज़्यादा पसंद है, मतलब स्टार्ट हो गया। तो ये भी मामी के यहाँ बना था शादी में, और गुड़ वाला लड्डू स्पेशली मेरे लिए बना था, तो गुड़ लड्डू हमारे लिए ही था, और चीनी वाला लड्डू सबके लिए था। करीबन एक क्विंटल चीनी का लड्डू बना है, आपने देखा भी होगा, इससे पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था। और मैंने एक चीज़ और बताया था आपसे चांदसाई के बारे में, कि चांदसाई तो चांदसाई क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल उससे पहले ये छोटे से टिफिन में है, आई थिंक इसके अंदर बूंदी है, लेट मी चेक, डोंट टच, यस तो इसके अंदर है बूंदी, बूंदी बूंदी बनी, जब भर रहे थे मैं देख रही थी। मासी के शादी पे, मासी के शादी में गए थे, तो ये बूंदी हो गया, और ये इसमें इसमें बड़ी आई थी। हाँ ये देखिए ये इसमें है बड़ी, ये मामी ने दिया है, मामी ने मुझे और मम्मी को दोनों को बड़ी दिया है। अब बारी आती है किस चीज़ की, चांदसई। चांदसई क्या होता है, चांदसई मुझे मिला है इसमें, ये एल्युमिनियम का एक छोटा सा हांडी टाइप का है, और ऐसे पेपर से पैक करके दिए हैं मुझे। अब ये एल्युमिनियम का जो हांडी है वो दिया है मुझे मजली मामी ने, जो मेरी सेकंड नंबर वाली मामी है, सॉरी। सो उन्होंने मुझे दिया है ये हांडी, और हांडी के अंदर मिला है मुझे चांदसई, जो कि बड़ी मामी ने दिया है,
तो ये मछली मामी और बड़ी मामी दोनों ने दोनों का हो गया। इसके अंदर है चांसाई, ये देखिए चांसाई इसलिए बोलते हैं, ये गोल गोल ऐसे चांद टाइप का रहता है इसका शेप, और इसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, और ऊपर जो चीनी का सिरप रहता है शुगर सिरप उससे हो जाता है। ये देखिए इसका अगर आपको लेयर दिख रहा होगा तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज्यादा। ये खाके देखूं क्या मम्मी? ये टेस्टी नहीं, ये तो जलेबी है। जलेबी है। सो ये हो गया मेरा, मैं इतने लाई थी, और एक लाई थी निमकी, बंगाली निमकी, तो वो मैंने शायद खा के फिनिश कर दिया ट्रेन पे ही। ट्रेन पे ही मैं खा ली हूँ। हाँ मैं ज्यादा नहीं लाई थी उसको, चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मामी बोल भी रही थी कि लेके जाओ, और मैं बोली कि नहीं इतना हो जाएगा, हो जाएगा। एक्चुअली जगह नहीं होता, पता इतना बहुत जगह नहीं हो रहा था, इतना भारी हो गया था कि पूछो मत। सो ये मैं सिर्फ इतना ही लाई हूँ, और बैंगन आलू वो मैं क्या दिखाऊँ आपको, आलू का मैं आपको साइज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा आलू है जो इसमें खा सकते हैं और पका सकते हैं। इतना बड़ा साइज है आलू, इतना बड़ा साइज है आलू, ये तो और चौड़ा है मेरे हाथ से भी ज्यादा। रुकिए देख रहे, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा। और ये है बैंगन, हरे वाले, ग्रीन वाले इस टाइप के उधर मिलते हैं, और पता है उधर के बैंगन में ना काटा भी रहता है। और कुछ आया क्या? नहीं, और तो कुछ भी नहीं आया। इधर देखिए कप में पानी पिया जा रहा है। सो गाइस अभी सिर्फ इतना ही आया है, और ये है गुजिया, गुजिया बनाने का। तो होली आ रहा है तो मे बी मैं गुजिया बनाऊं। सो गाइस बताइएगा मेरा ये जो देसी बाड़ी का सामान मैं इतना सारा लाई हूँ आपको कैसा लगा। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। सो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो क्या करना है, आप सभी को पता है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो पास में जो बेल आइकन है उससे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। टिल देन खाइए पिए खुश रहिए, बाय बाय। ये देखिए कैसे कर रहा है, उससे खेलता रहेगा वो। से बाय बाय। नो बाय।